जनवरी 2024 अयोध्या राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भारतवासियों के लिए ये धार्मिक और ऐतिहासिक लम्हा था। अब ऐसा फिर से होने जा रहा है 22 जनवरी साल 2025 को। दरअसल एक बार फिर से अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी साल 2024 को प्रभु राम मंदिर में विराजमान हुए। अब इस दिन फिर से अयोध्या के श्रद्धालु एक साथ अपने आराध्य की पूजा करेंगे। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में क्या क्या बदलाव हुए और 22 जनवरी 2025 से पहले क्या क्या खास हो रहा है, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बाईस जनवरी साल 2024 को प्रभु राम के अयोध्या में विराजमान होने के बाद से अयोध्या नगरी की आर्थिक स्थिति में बेहतरीन बदलाव आया है। हालिया अपडेट में ये सामने आया है कि लगभग 11 करोड़ भक्तों ने राम मंदिर के दर्शन किए। इसी के साथ अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश की टॉप टूरिस्ट प्लेस बन गई है। अयोध्या ने वाराणसी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। ये बड़ी संख्या शनिवार को यूपी के पर्यटन विभाग ने साझा की। ये संख्या साल के पहले 6 महीनों में राज्य में आने वाले पर्यटकों की है। आंकड़ों में बताया गया है कि इस दौरान यूपी में करीब 33 करोड़ पर्यटक आए हैं। राम मंदिर के साथ साथ 18 अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है और दूसरे फ्लोर पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। इस राम दरबार की मूर्तियां सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाई जा रही है, जो राजस्थान के जयपुर में बन रही हैं। राम दरबार में प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां लगभग 4 से 5 फीट ऊंचाई में बनाई जाएंगी। हाल ही में हुई निर्माण समिति की बैठक में राम दरबार की प्रतिमा और उसकी स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में राम दरबार की मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ये तय करेगी कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कब की जाएगी। संभावना है कि ये जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2025 ये दोनों ही तिथियां अयोध्या और भारत के लिए ऐतिहासिक मानी जाएंगी। 2024 में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद साल 2025 में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होना ये दोनों कभी ना भूलने वाला पल है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।